वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। बहुत दिन से चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूं, तो आज से मैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर चैप्टर से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आया था। सभी स्टूडेंट बोल रहा था कि सर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छा से कंप्लीट कीजिए। जितना भी होता है क्वेश्चन इस चैप्टर से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास में मैं डिस्कशन करूँगा पुली एंड बेल ड्राइव, गियर, कपलिंग, क्लचेस का बारे में। तो आज पूरा क्लास मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसको बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट को मैं एक ही क्लियरली बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आज का क्लास में है सभी इंग्लिश में टाइपिंग किया हुआ है, तो हिंदी में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं डिस्कशन करूँगा ओनली हिंदी में, तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग को मैं समझा दूँगा, जैसा कि जो भी फैक्ट होता है। आज का क्लास कंप्लीट करने का बाद और एक मैं सीपीएड लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्व कराऊंगा, उसका बाद मैं बियरिंग चैप्टर का डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, तो बियरिंग का डिटेल वीडियो का नोट्स मैं बना रहा हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना और भी मेरा चैनल को आप लोग आगे बढ़ाते रहना। मैं भी कोशिश करूँगा आने वाला दिन में और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प करने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्राइवर एंड ड्रिवेन पुली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन। ड्राइवर और ड्रिवेन पुली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, कौन सा बेल ड्राइव में? तो आप लोग जानते हैं ये होता है पुली, दो पुली रहता है, एक होता है ड्राइवर पुली, मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं, किसी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और ये होता है ड्रिवेन पुली, मतलब किसी का द्वारा ये चालित हो रहा है, ओके। तो इधर से एक्चुअली पावर जेनरेट हो रहा है। आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ कौन सा चैप्टर का क्लास, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मतलब पावर को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरा जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर पुली से, मतलब इधर से पावर जेनरेट हो रहा है, तो ये पावर को हम लोग दूसरा पुली में ट्रांसमिट करते हैं। तो पुली का साथ हम लोग क्या यूज़ करके ट्रांसमिट करते पावर को, बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए पुली किस मटेरियल से बनते हैं। पुली बनता है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और वुड से बनता है, ठीक है। तो इसका बाद आप लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए पुली ड्राइव कितने टाइप का होता है, बेल्ट एंड पुली ड्राइव, जैसे ओपन बेल ड्राइव होता है, क्रॉस बेल ड्राइव होता है, क्वार्टर ड्राइव होता है, ग्रुप पुली ड्राइव होता है, मल्टीपल वी ड्राइव होता है, जॉकी पुली ड्राइव, बहुत सारा टाइप अलग अलग होता है, ओके। तो इधर जो आपको बोला है ड्राइवर और ड्रिवेन पुली ऑपोजिट में मूव होता है, तो कौन सा ड्राइव में होता है? तो एक्चुअली आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये होता है क्रॉस बेल ड्राइव में, क्योंकि ओपन बेल ड्राइव में क्या होता है, ये अगर ड्राइवर पुली होता है और ये अगर ड्रिवेन पुली होता है तो क्या होता है, ये जस्ट ऐसे बेल्ट से कनेक्ट हुआ रहता है, इधर से पावर ऐसे डायरेक्टली जनरेट करता है। लेकिन क्रॉस बेल ड्राइव में क्या होता है, ये अगर ड्राइवर पुली है और ये अगर ड्रिवेन पुली है तो बेल्ट को हम लोग ऐसे क्रॉस करके फिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करके हम लोग फिट करते हैं, तो ये जब ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे अगर घूमेगा तो ये ड्रिवेन पुली को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मूवमेंट भी ऑपोजिट होता है। इसका बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो इसमें जो दो पुली होता है, एक ड्राइवर पुली और एक ड्रिवेन पुली, ठीक है। तो इसमें जो बेल्ट हम लोग लगाते हैं, तो ये जो बेल्ट ऐसे क्रॉस करके लगाते हैं तो दोनों का एंगल सेम होता है, मतलब दोनों पुली में जो हम लोग बेल्ट को लगाते हैं तो इसका एंगल इक्वल होता है। और क्या होता है, बेल्ट दो डिफरेंट प्लेन में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो बेल्ट है इधर से आ रहा है एक प्लेन है और ये जो बेल्ट है ये ऊपर प्लेन, मतलब एक्चुअली उसको क्या सेम प्लेन में होने का था तो कैसे होना चाहिए था, इस टाइप का होना था, लेकिन बेल्ट दोनों डिफरेंट प्लेन में जाके मिल रहा है, इसीलिए क्या होता है इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है और एक क्या होता है जल्दी जल्दी बेल्ट खराब हो जाता है, इसीलिए इस टाइप ऑफ ड्राइव हम लोग पावर ट्रांसमिशन में बहुत ही कम यूज़ करते हैं,
ओके, तो इस पावर ड्राइव का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब लो स्पीड में बहुत ही कम स्पीड में पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है, तब हम लोग क्रॉस बेल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रॉस करके लगा हुआ रहता है, तो इसमें अगर हम लोग ज़्यादा स्पीड देते तो पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। ओके, और एक्चुअली बेल दोनों डिफरेंट प्लेन में ऐसे मिलता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, या बोल सकते हैं इसका ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स आता है, इसीलिए बेल बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। क्रॉस बेल ड्राइव में हम लोग जनरली वी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो कहाँ पे इस्तेमाल करते, ओपन बेल ड्राइव में हम लोग जनरली वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और क्रॉस बेल ड्राइव का हम लोग कब यूज़ करते, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा है या बहुत दूर है, तब हम लोग इस्तेमाल करते क्रॉस बेल ड्राइव का। समझ में आ गया, सभी चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और एक चीज़ जस्ट आप लोग जान लेना, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को आता है जो क्रॉस बेल ड्राइव के लिए हम लोग जो बेल्ट का यूज़ करते हैं, ये जो बेल्ट है, बेल्ट का टोटल लेंथ कितना होता है, तो बेल्ट का लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेल्ट का लेंथ को आप लोग एल सी से आप लोग डिनोट कीजिए, तो इसके बाद आपको कैपिटल सी बटा टू प्लस स्मॉल सी बटा टू प्लस टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तर होल स्क्वायर। तो इसमें आपको जानना चाहिए कैपिटल सी का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ बिगर पुली, जो बड़ा पुली है उसका सरकमफेरेंस, और स्मॉल सी मतलब सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर पुली। ओके, इसके बाद एक्स का मतलब क्या होता है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, आप देख सकते हैं ये जो बेल्ट और पुली है, तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो रहा है, तो ए इसका मतलब होता है एक्स, इधर आपको देना पड़ेगा। और आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ बिगर पुली, और आर के जो स्मॉल आर है इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली। ठीक है, तो सभी डिटेल्स दिया रहेगा, तब आप लोग बेल्ट का टोटल लेंथ को आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो सभी चीज़ आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ड्राइव एंड ड्रिवन पुली मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो कौन सा बेल ड्राइव में ड्राइवन पुली और ड्रिवन पुली एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, ओपन बेल ड्राइव में होता है। क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं ओपन बेल ड्राइव का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, इसका साथ हम लोग वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट बेल्ट के भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होता है। ओके, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होता है मतलब 10 मीटर का अंदर होता है, तब हम लोग ओपन बेल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। 10 मीटर से ज़्यादा अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों पुली के बीच में है, तो हम लोग ओपन बेल ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें भी सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंथ ऑफ द बेल्ट, मतलब जो बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं ओपन बेल ड्राइव में, आप देख सकते हैं ऐसे अगर दो पुली हैं, तो दो पुली में जो हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल हो जाएगा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बटा टू इंटू थ्री वन बाय सेवन प्लस टू एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी मतलब होता है डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली, और ए जो स्मॉलर डी है इसका मतलब डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्स का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये जब भी आप लोग डिटेल पुट कर देंगे तो बेल्ट का टोटल लेंथ कैलकुलेशन होके आ जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, यूजुअली पुलीज हैविंग ए लिटिल कॉन्वेक्सिटी ऑन द आउटर पेरीफेरी सरफेस कॉल्ड, मतलब जो पुली का आउटर पेरीफेरी में थोड़ा सा कन्वेक्सिटी होता है, इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो फ्लैट बेल ड्राइव के लिए हम लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं, तो इस टाइप का अगर पुली होता है, तो ये जो पुली है इसका जो आउटर सरफेस है वो अगर थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी टाइप का, उत्तल टाइप का है, मतलब जो बीच वाला पोर्शन है थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, जो एंड पोर्शन है साइड वाला पोर्शन थोड़ा सा टैपर टाइप का रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जान लेना चाहिए पुली का जो ये भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिम। तो द रिम ऑफ द पुली फॉर फ्लैट बेल्ट इज जनरली मेड कॉन्वेक्स, मतलब फ्लैट बेल ड्राइव के लिए जो पुली हम लोग यूज़ करते हैं उसका रिम जो ऊपर वाला सरफेस होता है आउटर पेरीफेरी थोड़ा सा कन्वेक्स होता है, इसको क्राउन फेस ऑफ द पुली कहते हैं। तो इसका वजह से क्या होता है, हम लोग क्यों इसका मतलब उपयोग करते हैं, तो क्राउन फेस पुली बेल्ट को सेंट्रलाइज रखते हैं, मतलब ये जो पुली है इसके ऊपर बेल्ट जब चलेगा तो ये जब थोड़ा सा ऊँचा हुआ रहता है, तो ऊँचा उड़ाने की वजह से क्या होता है, बेल्ट को टोटली सेंट्रल में रखते हैं, मतलब बेल्ट कभी कभी क्या होता है मिस अलाइनमेंट होता तो गिर जाता है, तो उसको गिरने से बचाता है। ठीक है, अगर दोनों सेंटर टू पुली का सेंटर डिस्टेंस में सेंटर टू सेंटर में अगर मिस अलाइनमेंट है तो फिर भी ये इसको सेंट्रलाइज करने में मदद करते हैं, इसीलिए हम लोग
क्राउनिंग फेस करते हैं फ्लैट बेल ड्राइव में पुली का, ठीक है। और भी एक अच्छा काम होता है जो फास्ट पुली और लूज पुली होता है, आप लोग जानते हैं। फास्ट पुली में क्या होता है, फास्ट पुली में शाफ्ट का साथ पुली कोई भी की या ग्रैब स्क्रू का मदद से क्या होता है, वो फास्टनिंग बांधा हुआ रहता है। और लूज पुली में क्या होता है, वो पुली शाफ्ट का साथ कुछ मतलब कोई भी चीज़ से वो फास्टनिंग किया हुआ नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद घूमता है, ठीक है। तो फास्ट और लूज पुली में जब बेल्ट को एक पुली से दूसरा पुली में शिफ्ट करना पड़ता तो इसमें बहुत ही हेल्प मिलता है, क्योंकि उसका जो बीच वाला पोर्शन है उत्तल टाइप का है, तो इसको हम लोग इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, एक्सेसिव अगर क्राउनिंग हो जाएगा तो बेल्ट के लिए इंजुरियस भी हो सकता, मतलब ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो पुली है इसका बीच वाला पोर्शन अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो बेल्ट में क्या होगा, एक ही जगह में उसका ऊपर फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बेल्ट और पुली जब घूमता है तो फ्रिक्शन तो होता है। तो अगर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा मतलब एक ही जगह में बेल्ट में सिर्फ फ्रिक्शन होगा, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो सिर्फ बेल्ट में एक ही जगह को वो इंज्योर करते रहेगा, मतलब उसको खय होने लगेगा, वो ख़राब होते जाएगा। इसीलिए ज़्यादा क्राउनिंग भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग लिटिल कॉन्वेक्सिटी देते हैं तो क्यों देते हैं, उसको मतलब बेल्ट को सेंट्रलाइज रखने के लिए। तो समझ में आ गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी होता है क्लास में जो कोई भी PVSR क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल क्लास होता है तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ओके। इसमें बोला द बेल्ट मूवमेंट अपॉन द सर्फेस ऑफ द पुली विद इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज, मतलब पुली का सरफेस में जो बेल्ट का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसमें जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब सोचो एक पुली है और उसका जो सरफेस है, ठीक है, तो वो जो सरफेस है और वो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर जो मूविंग हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रीपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए क्रीपिंग क्या होता है। स्लिप तो सबको समझ में आता है कि बेल्ट और पुली का जो सरफेस स्पीड होता है उसमें जब भी डिफरेंस हो जाता है तब स्लिप होता है, तो आप लोग जानते हैं स्लिप वाट का मतलब। लेकिन क्रीपिंग वाट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं बेल्ट का ऊपर जब भी पुली का ऊपर जब बेल्ट मूव होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे बेल्ट अगर घूमते रहेगा बार बार जब घूमेगा तो क्या होता है, सोचो ये ड्रिवन पुली है, ठीक है, और एक ड्राइवर पुली है। तो ऐसे अगर बेल्ट है तो क्या होता है, जब घूमेगा ओपन बेल्ट ड्राइव में तो इधर से जब जाएगा तो बेल्ट कंटिन्यूस जब मूवमेंट होगा तो फ्रिक्शन तो हो रहा है, तो एक करे क्या करेगा, इसको जब ऊपर ले जाने का होगा तो क्या होता है, इसमें स्ट्रेच होता है, मतलब ड्राइवर पुली में स्ट्रेच होता है, और इधर जब जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे जब भी बेल्ट मूवमेंट होगा तो ड्राइवर पुली में जाके वो थोड़ा सा स्ट्रेच करने का कोशिश करता है बेल्ट को, तो अच्छा से वो घूम पाए इसीलिए, ओके। और जब ड्रिवन पुली में जाता है तब शॉर्टेन होता है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रिवन पुली में शॉर्ट होता है, ड्राइवर पुली में थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो ऐसे अगर कंटिन्यूस उसका लोकलाइज मूवमेंट होता रहेगा, मतलब वैसे ही कभी स्ट्रेच कभी शॉर्टेन होगा, मतलब थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, तो ऐसे अगर होते रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेल्ट का ऊपर असर पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, बेल्ट थोड़ा सा इलास्टिक स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं क्रीप, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा है, जो पुली का ऊपर पुली का सरफेस का ऊपर जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका ऊपर जो बेल्ट मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रीपिंग कहते हैं। तो क्रीपिंग का वजह से क्या होता है, इलास्टिक मूवमेंट हो जाता है बेल्ट का, ठीक है। और क्यों होता है ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ड्राइवर पुली में होता है स्ट्रेच होता है और ड्रिवन पुली में शॉर्टेन होता है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए वो इलास्टिक मूवमेंट होता है, ओके। जितना लोड होगा उतना ही ज़्यादा क्रीप होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसको इधर से क्या पड़ेगा, इसको ज़्यादा स्ट्रेच करने का कोशिश करेगा ड्राइवर में, और ड्रिवन में उतना ही ज़्यादा उसको शॉर्टेन करने का कोशिश करेगा, तो बार बार होगा तो क्या होगा, जब भी ज़्यादा लोड होगा तब उसका क्रीप भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ईच एंड एवरीथिंग, इतना डिटेल्स में आप लोगों को कोई भी यूट्यूब में नहीं समझाएगा। ये सब चैप्टर जो होता है इसको सभी स्टूडेंट सभी यूट्यूबर क्या करता है, स्किप करके चला जाता है, कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर होता है सेकेंड ईयर का चैप्टर होता है, तो ये सब चैप्टर मैं क्लियर करूँगा। मेरा पास अभी बहुत ही कम टाइम है, इसलिए मैं बहुत कम क्लास ले पाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आप लोगों को ईच एंड एवरी क्लास में सॉल्व कर देना का, ठीक है।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझाया हूं, द फास्ट पुली इज दैट व्हिच, फास्ट पुली का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझा दूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोगों को सपोर्टिंग क्वेश्चंस और मेरा डिस्कशन ध्यान से सुनना चाहिए। फास्ट पुली और लूज पुली में क्या होता है, अगर मशीन को धीरे से ग्रेजुअली स्टॉप करना है, सडनली सोचो मशीन चल रहा है, ठीक है, मशीन चल रहा है और इसको अगर धीरे से स्टार्ट करना है या उसको अगर स्टॉप करना है, बंद करना है और चालू करना है, तब हम लोग फास्ट पुली या लूज पुली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फास्ट पुली मतलब क्या होता है, जो पुली होता है तो पुली का बीच में क्या होता है, शाफ्ट जाता है, तो शाफ्ट को क्या करता है, उसको हम लोग ग्रैब स्क्रू या की से हम लोग उसको फास्टनिंग कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। तो जब ये जब घूमेगा, मतलब ये जो शाफ्ट घूमेगा तो पुली भी घूमेगा, समझ में आ गया है। तो इसीलिए यही बोला है, फास्ट पुली इज दैट व्हिच फास्टेन टू द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का साथ जो फास्टनिंग किया हुआ रहता है, बांधा हुआ रहता है। लूज पुली का मतलब क्या है, जो लूज रहता है, मतलब किसी का साथ तो बांधा नहीं रहता, जो इंडिपेंडेंट, मतलब खुद मूव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रन्स इंडिपेंडेंटली, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्राउनिंग ऑफ पुली हेल्प्स। तो क्राउनिंग ऑफ पुली क्या होता है समझा दिया हूं, इसका वजह से हम लोग को क्या मदद मिलता है वो भी मैं आप लोग को बता दूं कि क्या करते हैं, बेल्ट को सेंट्रल में रखने के लिए, मतलब मिडिल पोर्शन में रखने के लिए और बेल्ट को गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्राउनिंग ऑफ पुली करते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए, रनिंग द बेल्ट सेंट्रल ऑटोमेटिकली, मतलब जो बेल्ट है उसको पुली का सेंट्रल में ऑटोमेटिकली रनिंग करने के लिए हम लोग पुली में क्राउनिंग सरफेस बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, मिसअलाइनमेंट इन पुली ड्राइव कॉजेस। अगर पुली ड्राइव में जो एक आप देख सकते ड्राइवर पुली है और एक ड्रिवन पुली है, इसमें अगर मिसअलाइनमेंट थोड़ा सा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लिपेज होता है, ओके, और क्या होगा, बार बार बेल्ट पड़ जाएगा, मतलब गिर जाएगा बार बार, ठीक है। इसीलिए बोला है जब पुली का दोनों पुली का बीच में मिसअलाइनमेंट होता है, एक्चुअली उसको अलाइनमेंट करना चाहिए, जो बेल्ट होता है तो बेल्ट को टोटली अलाइनमेंट करके हम लोग उसको ऑन करना चाहिए, मिसअलाइनमेंट होने की वजह से वो स्लिपेज हो सकता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर लॉस इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में पावर लॉस होने के पीछे कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्लिप ओनली, ऑप्शन नंबर बी, क्रीप ओनली, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर स्लिप और क्रीप, मतलब स्लिप और क्रीप में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्लिप एंड क्रीप, मतलब स्लिप और क्रीप दोनों होने का कारण बेल्ट में पावर लॉस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्ट में जब स्लिप और क्रीप होता है तब पावर लॉस होता है, एक्चुअली जितना पावर ट्रांसमिट करने का चाहिए था उतना पावर ट्रांसमिट नहीं होता है। क्रीप क्या होता है मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ, फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका वजह से क्या होता है, बेल्ट का इलास्टिक मूवमेंट हो जाता है, इसीलिए पावर को अच्छा से ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। और स्लिप क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड द पुली, मतलब पुली और बेल्ट के बीच में जो सरफेस स्पीड का डिफरेंस होता है, एक्चुअली आप लोग जानते हैं पुली है और ये बेल्ट है, तो पुली का ऊपर बेल्ट क्या रहता है, ऊपर रहता है, और जब बेल्ट पुली घूमता है तो बेल्ट उसका साथ भी घूमता है, मतलब क्या होता है, बेल्ट का ग्रिपिंग पावर होता है, बेल्ट पुली को ग्रिप करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो जब नया बेल्ट होता है, अच्छा कंडीशन में है वो बेल्ट होता है, तो पुली को अच्छा से पकड़ के रखता है क्योंकि उसका ग्रिपिंग पावर अच्छा होता है, लेकिन बार बार कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से जब लॉन्ग डेज हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसका बीच में तो हम लोग जब फ्रिक्शन होता है तो उसका जो ग्रिपिंग पावर होता है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो जब खराब हो जाता है, ग्रिपिंग पावर कम हो जाता है, मतलब पुली को उतना अच्छा से पकड़ के नहीं रखता है बेल्ट, तो पुली एक्चुअली जिस स्पीड में घूमता है उस स्पीड में बेल्ट नहीं घूम पाता है क्योंकि उसका ग्रिपिंग पावर उतना नहीं रहता, तो क्या होता है, उसका दोनों का स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, पुली का जो स्पीड होना एक्चुअली जो स्पीड है वो स्पीड बेल्ट में नहीं आता है, इसलिए क्या होता है, उतना पावर ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में आप देख सकते बोला है कि कौन सा फॉल्ट का कारण बेल्ट ड्राइव में पावर लॉस होता है, तो स्लिप क्रिप दोनों का वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वी बेल्ट इज फिट फॉर, वी बेल्ट कौन सा ड्राइव में यूज होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। पहले मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ओपन बेल्ट ड्राइव में हम लोग वी बेल्ट का यूज करते हैं,
और इसका क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपीजोडियल क्रॉस सेक्शन होता है ओके। और इसका एंगल कितना होता है 30 से 40 डिग्री के आसपास इसका एंगल होता है। और एक क्वेश्चन आता है वी बेल्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, कॉर्ड CORD कॉर्ड या फैब्रिक से हम लोग बनाते हैं, उसका साथ हम लोग क्या मिलाते हैं रबर को मिला के हम लोग मोल्ड करके उसको यूनिफॉर्म मैनर या यूनिफॉर्म शेप में हम लोग बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या क्या चाहिए, कॉर्ड फैब्रिक और रबर चाहिए वी बेल्ट को बनाने के लिए, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन ग्रुप्ड पुली ओवर व्हिच द बेल्ट रन्स इन द ग्रुप कॉल्ड, मतलब जो ग्रुप पुली ड्राइव होता है जिसमें हम लोग वी बेल्ट का यूज करते हैं, तो वी बेल्ट जो ग्रूव का ऊपर घूमता है, सोचो एक ग्रूव है वी शेप का जो ग्रूव है इसका ऊपर क्या रहता है वी शेप का बेल्ट रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसका भी जो क्रॉस सेक्शन है वो रहता है ट्रेपीजोडियल, ठीक है। तो इस ग्रूव में वी बेल्ट घूमता है और एक किसका ऊपर रहता है, ये रहता है सीप का ऊपर। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, जो बेल्ट घूमता है ग्रुप में तो किसका ऊपर घूमता है, तो सीप का ऊपर वो घूमता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है हम लोग ग्रुप पुली का क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअली ओपन बेल्ट ड्राइव में हम लोग वी बेल्ट का यूज़ करते हैं और इसमें भी हम लोग ग्रुप पुली में भी हम लोग वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है फ्रिक्शनल ग्रिप उतना ज़्यादा नहीं होता, जो फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप होता उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ग्रुप टाइप का है ना तो ग्रुप टाइप में क्या होता है ज़्यादा फ्रिक्शनल ग्रिप होता है ओके। और इसका वजह से फ्रिक्शनल ग्रिप जब ज़्यादा होता है तो स्लिप का जो टेंडेंसी जब चांसेस होता है वो भी कम हो जाता है, समझ में आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है जो ग्रुप है एक ग्रुप का शेप कितना होता है या एंगल कितना होता है 40 to 60 डिग्री होता है ओके। और वी बेल्ट का एंगल कितना होता है 30 to 40 डिग्री का बीच में ही होता है, समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन में 40 डिग्री है तो 40 डिग्री एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो और एक बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्रुप्ड पुली, हम लोग तो बेल्ट का बात की है, ग्रुप पुली में हम लोग रोप का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ग्रुप टाइप का होता है उसमें जस्ट हम लोग रोप का यूज़ करते हैं। तो कब करते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता तब हम लोग ग्रुप पुली में हम लोग रोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप का एंगल कितना होता है 35 से 45 डिग्री होता है, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का, इन मल्टी वी बेल्ट ट्रांसमिशन इफ वन ऑफ द बेल्ट इज ब्रोकन चेंज द, मतलब मल्टी वी बेल्ट ट्रांसमिशन में जब एक बेल्ट खराब हो जाता है या टूट जाता है तब बेल्ट को चेंज कर देना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, ब्रोकन बेल्ट को चेंज करना चाहिए या ब्रोकन बेल्ट का पास का जो बेल्ट है उसको भी चेंज करना चाहिए ब्रोकन बेल्ट का साथ साथ, और ऑप्शन नंबर सी ओल्ड बेल्ट को, मतलब सभी बेल्ट को चेंज कर देना पड़ेगा अगर एक बेल्ट खराब हो जाएगा तो, ऑप्शन नंबर डी चेंज इज नॉट रिक्वायर्ड, चेंज का कोई जरूरत नहीं है। तो मल्टी वी बेल्ट मतलब क्या होता है, वी बेल्ट तो एक बेल्ट होता है उसका जगह मतलब और भी बेल्ट रहता है, एक के बाद एक ऐसे वी बेल्ट होता है ओके। तो इसका शेप आप लोग जानते हैं ट्रेपीजोडियल शेप का होता है, मैं तो वी शेप का बनाया हूं तो ये गलत है, तो ट्रेपीजोडियल शेप का वैसे ही वी बेल्ट, मल्टी मतलब क्या एक से ज्यादा वी बेल्ट होता है ओके। तो इसमें अगर एक भी बेल्ट खराब हो जाता है या टूट जाता है तो पूरा बेल्ट मतलब सभी बेल्ट को वो चेंज कर देना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल अप्लाइड ऑन द इनर फेस ऑफ द बेल्ट फॉर रिड्यूसिंग बेल्ट स्लिप, मतलब बेल्ट स्लिप कम करने के लिए बेल्ट का इनर फेस में हम लोग कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर है इमेरी और कोरेंडम का, ऑप्शन नंबर बी टेलो और रेजिन पाउडर, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन और टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर डी जिंक और चक पाउडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलो एंड रेजिन पाउडर, क्योंकि आप लोग जानते हैं पुली का ऊपर बेल्ट ग्रिप फ्रिक्शनल ग्रिप का वजह से वो उसको होल्ड करके रखता है, तो जब भी पुली घूमता है बेल्ट भी घूमता है तो कंटिन्यूअस रबिंग होता है बेल्ट और पुली के बीच में, तो क्या होता है बेल्ट धीरे धीरे सूख जाता है, तो जो प्रॉपर बेल्ट था या जो पहला वाला नया बेल्ट था तो धीरे धीरे सूख जाता है फ्रिक्शन का वजह से और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसका वजह से क्या होता है उसका जो फ्रिक्शनल जो ग्रिप होता है ग्रिपिंग पावर कम हो जाता है, तो और भी ग्रिपिंग पावर मतलब बेल्ट को चेंज करने का वजह से बेल्ट को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, बेल्ट का जस्ट ग्रिपिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग बेल्ट को बढ़ाते हैं टेलो और रेजिन पाउडर बेल्ट का इनर फेस में दे देते हैं, मतलब ये पुली है और ये बेल्ट है तो बेल्ट के इनर फेस में हम लोग टेलो और रेजिन पाउडर अप्लाई कर देते हैं, तो ग्रिपिंग पाउडर बढ़ जाता है और अच्छा से ये मतलब बिना स्लिप के ये पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं,
समझ में आ गया, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पुली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट स्पीड। कौन सा पुली में हम लोग को डिफरेंट स्पीड मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड पुली, ऑप्शन नंबर बी स्प्लिट पुली, ऑप्शन नंबर सी जॉकी पुली, ऑप्शन नंबर डी स्टेप्ड पुली। तो स्टेप्ड पुली जो होता है, इसमें स्टेप्ड कोन पुली होता है, स्टेप टाइप का पुली होता है, इसमें मिनिमम 3 स्टेप रहता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हम लोग को मिलता है। तो स्टेप पुली ड्राइव में हम लोग को डिफरेंट स्पीड देखने को मिलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जॉकी पुली शुड बी यूज्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द पुली डायमीटर एक्सीड। जॉकी पुली या आइडलर पुली का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब पुली का डायमीटर रेशियो किससे ज़्यादा होता है, तब तो जब 6:1 से ज़्यादा होता है तब हम लोग जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए 6:1 का मतलब क्या होता है। जो पुली है, जो पुली का डायमीटर है, तो पुली का डायमीटर का बीच में जो रेशियो है वो अगर 6:1 से ज़्यादा हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा, तो क्या होता है, इसमें जो एक्चुअली उसको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए उतना कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कॉन्टैक्ट कम होने का वजह से पावर को उतना ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं जॉकी पुली या आइडलर पुली। तो ड्राइवर पुली का जो स्लैक साइड है, स्लैक साइड में हम लोग यूज़ करते हैं एक पुली, एक्स्ट्रा पुली, जिसको जॉकी पुली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वजह से क्या होता है, जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और भी ज़्यादा हो जाता है और पावर को ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन भी आता है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला है कॉमन रूल्स फॉर बेल ड्राइव इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पुली शुड नॉट बी लेस देन। मतलब जब बेल ड्राइव होता है तो दो पुली के बीच में डिस्टेंस किससे कम नहीं होना चाहिए, तो लार्जर पुली का डायमीटर से मतलब 3 times से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो दो एक्चुअली मेन कारण होता है जॉकी पुली यूज़ करने का। अगर जो दो पुली है, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली है, उसका अगर डायमीटर का रेशियो 6:1 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है इसीलिए। और जब दोनों पुली के बीच में सेंटर डिस्टेंस, जो लार्जर पुली का डायमीटर है, सोचो डायमीटर 10 mm है, तो उससे अगर 3 times से ज़्यादा का सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा तब हम लोग को यूज़ करना पड़ता है जॉकी पुली या आइडलर पुली। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास देखते हैं, मेरा पढ़ाने का रेगुलर क्लास देखते हो, सभी स्टूडेंट को ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 17 का क्वेश्चन में आपको बोला है इन ओपन बेल ड्राइव कैन ट्रांसमिटेड विद द मैक्सिमम सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली इज। ओपन बेल ड्राइव में ड्राइवर और ड्रिवन पुली में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होने तक हम लोग ओपन बेल ड्राइव में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 meters। 10 meters से अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तब हम लोग पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। 18 का क्वेश्चन, जॉकी पुली इज यूज्ड। जॉकी पुली का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तभी से मैं वही एक ही चीज़ का बात कर रहा हूँ कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए और बेल्ट का टेंशन को सही करने के लिए। तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टाइप ऑफ बेल्ट शोन इन द फिगर। फिगर में जो बेल्ट शोन हो रहा है इसका नाम क्या है? तो ए हो जाएगा मल्टीपल वी बेल्ट, जिसका बात मैं अभी कर रहा हूँ। एक बेल्ट अगर टूट जाएगा तो सभी बेल्ट को चेंज करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम द टाइप ऑफ बेल्ट शोन इन द फिगर। इसमें जो जिस टाइप का बेल्ट का शो कर रहा है, कौन सा टाइप का बेल्ट है? रिव्ड बेल्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेम द बेल्ट फास्टनर शोन इन द फिगर। बेल्ट फास्टनर का हम लोग कब यूज़ करते हैं? तो आप लोग जानते हैं जो पुली होता है इसको हम लोग ऊपर हम लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेल्ट तो एक्चुअली सेम साइज में नहीं आता है, तो वो तो लंबा ऐसे रहता है, तो उसको घुमा के गोल करके हम लोग को बेल्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, उसका जितना चाहिए लेंथ उतना करना पड़ता है। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए, दोनों एंड को जोड़ने के लिए हम लोग फास्टनर का यूज़ करते हैं, जैसे क्रिसेंट फास्टनर, जैक्सन, एलिगेटर, लगड़ेला टाइप फास्टनर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक कौन सा टाइप ऑफ फास्टनर है? लगड़ेला टाइप फास्टनर है, जो हेवी ड्यूटी मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो भी है सभी लाइट ड्यूटी मशीन में बेल्ट फास्टनर का हिसाब से यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नेम द गियर ऑन व्हिच द टीथ आर कट एट एन एंगल विद द गियर एक्सिस। कौन सा गियर में, गियर का एक्सिस का एंगल में टीथ कटा हुआ रहता है? तो सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकल गियर, क्योंकि स्पार गियर जो होता है
उसका क्या होता है, गियर के एक्सिस के साथ पैरेलली उसका टीथ कटा हुआ रहता है। तो स्पार गियर क्या करता है, दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। तो हेलिकल गियर भी सेम है, दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है, लेकिन जो गियर एक्सिस होता है उसका एंगल में टीथ कटा हुआ रहता है, थोड़ा सा एंगल में टीथ कटा हुआ रहता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज स्पीड रिडक्शन डिजायर। कौन सा गियर का हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा स्पीड कम करने का ज़रूरत होता है। तो बहुत बार मैं आप लोगों को क्लास में बता दिया हूँ, वार्म गियर और वार्म व्हील का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड को कम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊँगा। और वार्म गियर और वार्म व्हील का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 90 डिग्री में या राइट एंगल में मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है वार्म गियर और वार्म व्हील में इंडेक्स रेशियो कितना होता है, 40:1 होता है। तो इसमें जो वार्म शाफ्ट होता है, एक्चुअली जो वार्म शाफ्ट होता है ओके, और उसके ऊपर जो वार्म व्हील होता है, तो 40:1 का मतलब क्या होता है, जो शाफ्ट है, शाफ्ट अगर 40 बार घूमेगा तो व्हील तब एक बार घूमेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कितना स्पीड को कम कर रहा है, मतलब शाफ्ट बहुत स्पीड में घूमता है, शाफ्ट इतना स्पीड में घूमेगा लेकिन उसका बाद व्हील को जस्ट एक ही पाक घुमाएगा। ओके, समझ में आ गया इसका इंडेक्स रेशियो और स्पीड रिडक्शन कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन ए गियर इफ द पिच डाया इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ वी गेट। अगर गियर में पिच डायमीटर को उसका नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करते तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है, मॉड्यूल मिलता है, जिसको हम लोग कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसका हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमीटर में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर द पावर इज ट्रांसमिटेड एट 90 डिग्री एंगल टाइप ऑफ गियर यूज्ड। जहाँ पे 90 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा उस जगह में हम लोग को कौन सा गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बीवेल गियर, बीवेल गियर का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जस्ट वार्म गियर का ऑप्शन में दिया, वार्म गियर एंड वार्म व्हील अगर बोलता तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीवेल गियर क्या करता है, शाफ्ट का बीच में कोई भी एंगल में मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है, या पावर को आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसमिट कर सकता है। और इसका जो टीथ होता है बीवेल गियर का, ये स्ट्रेट टीथ होता है और स्पाइरल टीथ भी होता है। जो हैंड ड्रिलर मशीन होता है उसमें दो शाफ्ट का बीच में 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है हैंड ड्रिल में कौन सा गियर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीवेल गियर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बैकलैश इन ए मेसिंग गियर इज द। दो गियर का जब मेसिंग होता है तब इसमें बैकलैश का मतलब क्या होता है, जो दो गियर के बीच में क्लियरेंस होता है, जहाँ पे मैश हो रहा है मतलब मैचिंग हो रहा है, उधर जितना क्लियरेंस होता है दोनों गियर के बीच में उसको बोलते हैं बैकलैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें डायग्राम आपको दिया गया है तो कौन सा गियर का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वार्म एंड वार्म गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेम द टाइप ऑफ गियर सुन, तो इस गियर का नाम क्या हो जाएगा, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं रैक एंड पिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्रिलर मशीन में रैक एंड पिनियन का मैकेनिज्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन, इस गियर का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मीटर गियर। जब दो बीवेल गियर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, दो बीवेल गियर जब सिमेट्रिकल होता है तब उसमें क्या होता है, उसमें 90 डिग्री में मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इस गियर को बोलते हैं मीटर गियर या मीटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, नेम द टाइप ऑफ गियर सोन, ये जो गियर आप लोग को दिखा रहा है इस गियर का नाम क्या हो जाएगा, एक्चुअली इस गियर का नाम हो जाएगा बीवेल गियर। तो हाई पॉइंट गियर अगर बात करता थोड़ा सा इस टाइप का कर्व कर्व टाइप का उसका टीथ हो जाता। तो इतना था कि क्वेश्चन, इसका बाद जो क्वेश्चन आएगा क्लास चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूंगा। तो मेन डिपेंड करता है आप लोग का सपोर्ट के ऊपर, आप लोग जैसे आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा, मैं भी आप लोग के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।